हेलो प्लस वन डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा रिकैप करते हैं पीछे जो हमने सीख लिया है। साइन एक्स के बारे में हम क्या जान चुके हैं कि भी एक्स कुछ भी रख दें, यानी एक्स होल रियल जिसको हमने डोमेन बोला है, ठीक है ना। इसकी रेंज जो है, रेंज माइनस वन और वन के बीच में, और शामिल भी है माइनस वन और वन। कोस का भी यही हाल है, एक्स क्या हो कोई भी आर रख दें, और रेंज इसके भी माइनस वन और वन के बीच में और शामिल भी, क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा हमने टी रेशो लिया टेन एक्स, तो टेन एक्स में एक्स का ध्यान रखना है क्योंकि कोस बटे में आता है, तो कोस जहाँ जीरो आ जाएगा तो दिक्कत आएगी, तो एक्स की वैल्यू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू ना हो, और एन कोई भी जेड हो सकता है। यह हमने बोला था भी आर में से एक ऐसा एक्स हो, एक्स बराबर है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू और एन बिलोंग्स टू जेड, इस तरह से भी बढ़िया से ढंग में लिख दिया, या ऐसे लिख दें। ये मैंने डोमेन बोला है दो तरीके से टेन एक्स के बारे में, यानी एक्स ऐसा होना, या तो एक्स ऐसा ना हो या फिर आर में से वो ना हो वो घटा दिया, ना का मतलब हाँ बच गया, तो टेन एक्स। और रेंज जो इसकी है ये कैसी वैल्यू देगा, ये होल रियल। रेंज क्या है, होल रियल, या जिसको हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इस तरह से भी मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो ये टेन एक्स, कोस एक्स, साइन एक्स। इसके बाद हम तीसरा जैसे लिया सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स की भी दिक्कत वही होती है, कोस बटे में आता है इसके, तो इसका सेम यही है कि भी ये जो एक्स है वो ना हो 2n प्लस वन इंटू वन पाई बाई टू, माइनस वन भी लिख सकते हैं, थ्री भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, और x कोई भी z, n कोई z है, यह इसी बात को यहाँ भी लिख दिया। ये इसका डोमेन है रेंज, तो रेंज बोला था कि भाई ये तो कोस का रेसिप्रोकल भी है, तो कोस जहाँ अपना व्यवहार करता है, कोस की वैल्यू जहाँ चलती हैं वहाँ उसके उल्टे में इसकी वैल्यू चलेंगी, कि भाई रेंज के लिए आर में से, क्योंकि एक का उल्टा एक होता है, तो ये वैल्यू हटा देंगे, ठीक है। ये रेंज है सीकेंट एक्स। इसके बाद जैसे कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स में हम कहेंगे कि भाई एक्स की वैल्यू, यानी कोसेक एक्स का मतलब क्या आता है, बटे में साइन आया, और साइन जीरो कहाँ होता है, तो मल्टीपल ऑफ एन, मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब सारे ही एन पाई के मल्टीपल ले लिया, एन पाई, मतलब साइन एक्स के बारे में हम डिस्कस कर लिया, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, एक तो डायरेक्ट ये लिख दिया, या फिर क्या लिख दें, वही ऑल आर में से एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और एन कोई भी जेड है, यहाँ भी लिख दें, यहाँ भी लिख दिया, हर सवाल में एन बिलोंग टू जेड। ये तो आ गया जैसे कोसेक एक्स का डोमेन, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पीछे नीचे जगह है ना देखे वीडियो में, तो यहाँ से लिख दें कि भी कोसेक एक्स, ठीक है भाई, कोसेक एक्स का हमने डोमेन देखा, इस तरह से लिख सकते हैं हम डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो वो आया कितना कि आर में से एन पाई नाम का एलिमेंट हमने हटा दिया, ठीक है। और रेंज जैसे सेकेंड की है भाई, इसकी रेंज है, तो रेंज आर में से ये ओपन इंटरवल हटा दिया, ठीक है। बाकी बच गया हमारा कोट, तो कोट में बिल्कुल कोसेक की तरह ही बिल्कुल यही डोमेन एज टीज लिख दिया, और रेंज टेन की तरह ही हमने, तो कोटेक्स का जो रेंज है वो ऑल आर है। तो ये हमने काफ़ी बार, दो तीन बार पीछे वीडियोज में डिस्कस कर लिया, रेंज ऑल आर या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रहें ये चीज़ें भाई, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए छोटी सी बात और देखनी है हमने, कि ये हमारे पीछे जो डिस्कशन किया था कि भी साइन एक्स के बारे में जो हमने बातें सीख ली हैं, कि भी साइन एक्स फ
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव, जैसे ये मतलब यूं हम एंगल को लेकर के घुमा रहे हैं, यूं कितना भी, मतलब एक चक्कर पूरा हुआ टू पाई पर, रेडियन में चर्चा करें या 360 डिग्री, ठीक है ना, एक चार पाई, छः पाई, यहाँ मान ये पाई है, यहाँ थ्री पाई, दो पाई घूम करके, यहाँ फाइव पाई, यहाँ पाई बाई टू के ओड मल्टीपल आते हैं, जैसे पाई बाई टू, फिर फाइव पाई बाई टू, दो पाई जुड़ के, यहाँ दो पाई और जुड़ करके कितना आ जाएगा, नाइन पाई बाई टू, मतलब इस प्रकार से चार चार के गैप, ठीक है ना, जैसे इसमें मान लिया मैंने दो पाई जोड़ दिया तो दो दुनी चार, इसमें दो पाई जोड़ दिया, मतलब इस प्रकार से ये, और यहाँ क्या आएंगे, थ्री पाई बाई टू, फिर फाइव, फिर यहाँ सेवन पाई बाई टू, और एक चक्कर और घुमा दें, मतलब इस प्रकार से जो बाउंड्री वाली लाइन है वो थोड़ा सा ध्यान में रहें, ठीक है ना। ये तो थी घड़ी की सुइयों के खिलाफ एंगल को घूमना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एंगल, जैसे इस प्रकार से यदि नेगेटिव डायरेक्शन एंगल घूमे, नेगेटिव का मतलब इस प्रकार से, चलो दूसरा हम एक मॉडल दे लें, या जैसे इस प्रकार से यूं घुमाया हमने एंगल को, मेरा मतलब यहाँ ये है समझाने का, जैसे साइन की बात देखते हैं तो साइन में यहाँ एंगल रखते हैं हम, तो जैसे मान लिया पिछले वीडियो में मान लिया 1700 डिग्री है, तो 1700 डिग्री का मतलब है भाई कितने घूमे, तो हम 360 का काफ़ी मल्टीपल तैयार करें, क्योंकि काफ़ी पूरे पूरे कंप्लीट रिवलेशन हो रहे हैं, तो जैसे 360 इसके नज़दीक से गए, जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1800 के पास गया, तो मैं मान लिया इसको 1730 40 लिख लूँ, ठीक है ना भाई। तो यहाँ जैसे 360 गुणा में 5, तो इसका मतलब क्या है कि भी यहाँ आकर के फिर खड़ा हो गया हमें, तो 360 और ये 15 कितना एंगल आ गया है, ये 1800, और इसमें से यदि मैंने 60 घटा दिया तो मैं 1740 डिग्री हो गया। तो अब ये सूत्र लिखवाया था, याद भी होना चाहिए, तो ये किस प्रकार की बनावट ले ली इसने, साइन 360 इसका कोई भी मल्टीपल और माइनस थीटा, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा और सिर्फ साइन थीटा, यहाँ बताया था 360 हो या 180 हो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, भी माइनस है तो एंगल हमारा चौथे में है, प्लस है तो पहले में चला जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ आ गया साइन 60 माइनस का, भाई किसकी वजह से, चौथे क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस आया, ये माइनस मैटर नहीं करेगा, तो माइनस 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 3/2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कोई भी जैसे हम घड़ी की सुइयों के एक जैसे मान लिया इस तरह से ही चल रहे हैं, जैसे साइन के अंदर मान लिया मैंने माइनस 30 डिग्री रखे, ठीक है ना, इसको समझिए, तो इसका मतलब क्या था कि मैंने रोटेट करके चौथे क्वाड्रेंट में घूमना शुरू, क्योंकि यदि पॉजिटिव डायरेक्शन लूँगा तो मैं पहला क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, और उल्टी डायरेक्शन लूँगा तो नेगेटिव डायरेक्शन एंगल की आ जाएगी, तो चौथा क्वाड्रेंट शुरू में मिलेगा उसको आते ही। तो जैसे यहाँ, तो यदि अब मान लिया जैसे इस तरह से चलते चलते बहुत बड़ा एंगल आ जाए, जैसे यूँ, तो हम जैसे मान लिया यूँ घूमते घूमते यहाँ रुक गया वो, या थोड़ा सा यहाँ रुक गया, तो फिर देखेंगे कि भाई ये तो दो प्रकार से काउंटिंग, दो प्रकार से घूम घूम करके हमने बात देखनी है। इसकी बजाय यदि हम ऐसा काम कर लें, देखो ये यहाँ घूमे है, ये जैसे एक सीधी सी भाषा में यदि बोलूँ मैं कि जैसे यहाँ से उसका डायरेक्शन यूँ थी, मैं उसको उल्टी डायरेक्शन दे दूँ और 30 डिग्री मैंने जैसे यहाँ एंगल बना दिया, एक मिनट के लिए सोचो भाई, तो 30 डिग्री के लिए जैसे शुरू की वीडियो में हमने ये बात देखी थी भी सर्कल के ऊपर यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो साइन 30 हम जानते हैं कि भी 1/2 देगा, और यहाँ क्या होगा कि भी एंगल वही नीचे उल्टी डायरेक्शन दे करके माइनस 30 बनाओगे तो ये बनेगा, तो इस यहाँ से भी वही परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ हुआ क्या कि ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर है ही,
इसका मतलब दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दिस अपॉन दिस यानी साइन थीटा की बात आई है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि वो गया है तो उसने वैल्यू एक बटा दो दी यानी साइन तीस, साइन प्लस के तीस की बात हुई है। यदि वो माइनस की तरफ घूमता है तो उसने वैल्यू माइनस एक बटा दो देगा। क्यों देगा? कि ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव की तरफ चली गई, ये एक्स तो पॉजिटिव है ही ना, गलत भाई, तो हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है ही हमेशा ही है। तो इसका मतलब हम यूँ समझ लें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हर सवाल में ही हर टी रेशो के लिए ऐसा कर दें कि भाई जब भी एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करे तो हम उसको हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलाएंगे। क्या करेंगे कि भाई ज्यों ही वो चौथे में आना शुरू हुआ उसको यूँ बोल करके हमने अपनी बात पूरी कर ली। कैसे? जैसे यहाँ देखो साइन ऑफ माइनस, जैसे मान लिया थीटा है कोई एंगल, ये एक्स बोल दो। इसका मतलब क्या हुआ कि भी एक्स कोई कितना भी है, कोई एक्यूट की बात नहीं है, वो तो बाद में घूम जाएंगे हम। बोले कि माइनस तरफ एंगल ने रोटेट करना शुरू हुआ है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एंगल चल पड़ा, ठीक है ना। इस हिसाब से साइन ऑफ द एंगल बोलते हैं हम। तो इस एंगल के लिए हम क्या कर लें, ऐसा बोल के कि भाई 12 करना, तो चौथे को उसको पकड़ के बाउंड्री पर बैठाओ और मुंह फेर दो। मुंह फेरने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले गए। तो इसका मतलब यूं कह के हम पूरा कर लेंगे भाई चौथे क्वाड्रेंट में बाहर देखा इसको कि भाई ये तो चौथे में नेगेटिव होता है तो ये माइनस बाहर निकाल दो, ठीक है भाई। और अब इस माइनस को आगे लग रही है, अब इसका रोटेशन क्या हो गया, यानी कि माइनस की बजाय अब जमा में घूमना शुरू कर देगा ये, मतलब यहाँ आ करके उसने जैसे 30 डिग्री के लिए वैल्यू माइनस एक बटा दो दी है, प्लस की तरफ घुमाया तो एक बटा दो, लेकिन वो माइनस बाहर जो आई है उसने माइनस एक बटा दो उत्तर दिया। हमने तो वैल्यू ज्ञात करनी है भाई रोटेट होकर के दो लंबाइयों का जो रेशो है वो कैसे ट्रीट हो जाए, कैसी वैल्यू दे दे, यही तो मतलब है हमारा और क्या, ठीक है। तो साइन, ठीक है ना भाई। इसी प्रकार से जैसे मान लिया कोस के लिए देखते हैं, तो कोस में क्या घटना थी, अब जैसे पहले क्वाड्रेंट में कोस के लिए क्या करते हैं हम कि यो एंगल है ये बटे में ये, मान लिया 30 डिग्री की बात करी और 30 डिग्री हम मान लिया चौथे क्वाड्रेंट में उल्टी तरफ घूमे, नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसमें देखो कोस 30 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं कि भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ भी कोस 30 है, माइनस का 30 है, तो उसके लिए देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारी डायरेक्शन कहाँ चेंज होती है इस लंबाई की वजह से, तो इसमें तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी कोस जैसे 30 है उसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं √3/2 है, ठीक है, और कोस माइनस 30 की वैल्यू भी तो √3/2 है, यहाँ माइनस का कोई चक्कर नहीं पड़ा। तो हम इस बात को कैसे ट्रीट करेंगे, यहाँ कोस है बाहर और भीतर एंगल यदि नेगेटिव डायरेक्शन में घूम रहा है जैसे माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे कि क्वाड्रेंट में घूमना शुरू किया है तो चौथे में कोस पॉजिटिव होता है तो इसलिए इस माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो कोस एक्स ही लिख देंगे, ठीक है ना भाई। क्या क्या बोल दिया हमने कि साइन यदि है माइनस में है तो बाहर निकल जाएगा। तो बाकी और देखो ट्रीट करते हैं, साइन माइनस एक्स को क्या लिख दिया, माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। कोस माइनस एक्स को क्या लिख दिया, कोस एक्स ही चौथे में है, ऐसे बोलते हैं कि साइन ऑफ द एंगल चौथे में है। ये बहुत बड़ा एंगल हो तो भी, जैसे मान लिया कोई कोई स्टूडेंट यूँ लिख लेगा भाई माइनस 120 है, इसको कैसे हम इसको यूँ ही बोलेंगे भाई 120, तो देखो 120 यदि उल्टी डायरेक्शन से घूमेगा तो यहाँ से चल करके माइनस 90 तक आएगा और फिर यहाँ से आया मान लिया, तो ये तो तीसरे क्वाड्रेंट में है, यूँ घूम के आया जब लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल है आसान बना लिया सवाल को कि भी इस माइनस को बाहर निकाल दो। तो बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस चीज़ को हमने क्या कर लिया कि भाई ये इस तरफ घूमने वाला था
उसको उसका इलाज कर दिया यूं मानो, और अब यूं घुमाना शुरू कर दिया, उत्तर दे दे देगा, कोई फर्क नहीं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, माइनस साइन सेकंड में तोड़ा, दो तरीके से हमने बोला था, 90 प्लस तोड़ लो या 180 माइनस 60 तोड़ दिया, ये आसान है तोड़ना। तो ये माइनस बाहर लग रही है, अब पढ़ो इसको, साइन 180 माइनस थीटा, बहुत अभ्यास करवाया हमने, साइन थीटा ही होता है क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव होता है, 180 या 360 की वजह से ये बदलते नहीं है। तो साइन 60, तो साइन 60 वही माइनस रूट 3/2, तो सेम बातें हैं, मतलब यहाँ ये उत्तर आ गया हमारा, और यहाँ यदि बदल करके यहाँ पूछोगे तो भी तो वही सी बातें आएंगी। तो इसलिए मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन से घूम करके चक्कर काटने की बजाय हम हर टी रेशो में ऐसा ही काम करेंगे। तो क्या कर लिया, साइन माइनस एक्स, एक दो एग्जांपल लेंगे, कोस माइनस एक्स को कोई असर नहीं, अब देखो सीकेंड माइनस एक्स को भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसी का उल्टा ही तो है ये, तो कोस को यदि माइनस का फर्क नहीं पड़ा तो सीकेंड नहीं पड़ेगा, तो इन दो को तो नहीं पड़ेगा, बाकी के सब के माइनस बाहर आ जाएगी। जैसे हमने टेन माइनस एक्स लिया, क्योंकि टेन को क्या थी कि टेन में कौन कौन जो काम आएंगे, जिसके भी परपेंडिकुलर काम में आता है उसका समस्या आएगी इस माइनस की, तो क्यों आने दे, वो माइनस बाहर ले लो, और रोटेशन हमारी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो ये भी, और लिया जैसे कोट ऑफ माइनस एक्स, तो ये भी माइनस बाहर लिया और कोट एक्स, ठीक है ना भाई। बाकी और कौन कौन बच गए, कोशक के लिए भी, तो कोशक माइनस एक्स भी लिख दिया माइनस कोशक एक्स, ठीक है भाई, ये बात दिमाग में रहे। एक दो हम एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, यही क्वेश्चन ले लिया एक 1740 जो ये एंगल था कि साइन माइनस 1740 डिग्री का कोई एंगल है, तो हम कहे भी इस माइनस को ठिकाने लगा दो, पहले माइनस बाहर ले लो, और 1740 को क्या लिख दिया, 5 गुणा में 360, या हम कह दें भी 5 गुणा में 2 पाई और माइनस 60 या कितना, बिल्कुल सही है भाई, 60 डिग्री, और ये 1800 में से 60 घटा दिया, माइनस साइन। अब करो क्या कर लिया, रोटेशन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही ले लिया, तो अब वही बात बोलो कि साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, तो मतलब 360 पांच बार हम घूम करके यहाँ आ गए, और 60 घट के यहाँ से हम रोटेट करते हुए दिखाई दिए चौथे में, तो चौथे के नाम से हम कहें ना भाई एक नेगेटिव और आएगा, तो एक नेगेटिव और लें, तो यहाँ ये एक नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर दो, और ये 60 बोल दिया, बोला था ना भाई 360 माइनस प्लस हो, सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है, तो इसने वैल्यू दी रूट 3/2, ठीक है ना। सो साइन ऑफ द एंगल, अब कोस के लिए कोस माइनस 1740 है, तो कोस के लिए माइनस की परवाह नहीं है, सीकेंट के लिए भी नहीं है, तो सीधा ही कोस 1740 लिख दिया, इसको भी तोड़ा, को 1740 का मतलब 360 गुणा में 5 और माइनस 60, तो इसको लिख दिया को 60 ही, क्योंकि चौथे में है, चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, तो को 60 का मतलब 1/2, तो ये आ गया, ठीक है ना भाई। तो ठीक है ना भाई, 1740 माइनस का जो एंगल है उसके लिए ये वैल्यू हमारी माइनस है, एक माइनस पहले से आया, इसमें माइनस का कोई असर नहीं, फिर चौथे में सही है, तो बाकी और में भी इसी प्रकार का हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बातें जो बताई गई हैं उसके लिए एक नई बात आज सीखते हैं कि जैसे नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बोलते हैं, उसमें हमने ओड इवन की बात सीखी थी, जैसे सिंपली देखा था भी दो से विभाजित हो जाए उनको इवन बोला था, जो विभाजित ना होते हैं वो ओड होते हैं, ओड बोलते हैं हम। तो इसी प्रकार की जैसे ये फंक्शन है हमारा, जैसे ये साइन एक्स, इसमें यदि एक्स की जगह मान लिया ये किसी के बराबर बार बार पी एक्स बोल दें, एफ एक्स बोल दें, ट्रीट करते हैं वाई बोल, वो बात एक ही है, साइन एक्स वाई बराबर है, तो एक्स की जगह यदि मैं माइनस एक्स रखूँ, ठीक है ना भाई, यहाँ कह दें कि भाई एक्स को चेंज करते हैं माइनस एक्स दोबारा, देखो क्या हम ग्राफ बनाएंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो चेंज कर दिया, चेंजिंग एक्स टू माइनस एक्स, तो फिर क्या क्या फर्क पड़ेगा इसमें, जैसे एफ में एक्स को चेंज कर दिया, जैसे ये बनावट लिखी, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो भाई, और इधर भी रख दिया,
ठीक है, तो यहाँ तो वही यूं का यूं, लेकिन इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं एल्जेब्रिकली कोई एक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे एक्स क्यूब, और कह दिया अभी चलो इसको आप एक्स बोल लो या वाई बोल दो या पी एक्स पॉलिनोमियल भी बोल लेते हैं, तो इसमें कह दिया कि भाई इसके अंदर माइनस एक्स भरो दोनों साइड में, तो माइनस एक्स भरा, एक्स की जगह लिख दिया, यानी कि तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एक्स की तीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में परिवर्तन क्या हुआ, जैसे ये बोले भाई एफ एक्स तो ये है, तो जैसे एफ एक्स लिख लिया, और इस साइड में फ़र्क क्या आया कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स, जब मतलब यहाँ इस एक्स की जगह मैं एफ एक्स ही भर दूँ, तो क्या आया कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो बराबर है माइनस एफ एक्स। तो इसने क्या क्या बताई ये बात, कि इसने ये बताया है कि भाई एक्स की जगह तुम माइनस भर रहे हो और वो माइनस बाहर आ रही है, जैसे यहाँ एक्स था पहले, कोई भी एक्स है उसे माइनस कर दिया मैंने, उसको मान लिया पहले माइनस था फिर मैं माइनस करूँगा पॉजिटिव हो जाएगा, यदि वो माइनस बाहर आ जाती है, यही एक बनावट है विशेष, इसको हम ओड ओड फंक्शन बोलते हैं, ओड बनावट होती है ऐसी। जैसे इसका मतलब क्या है समझने का, कि भी एक्स की तीन का ग्राफ बनाते हैं, भी कुछ नहीं है, मैंने वाई मान लिया, वाई बराबर एक्स की तीन, पिछले वीडियो में जो हम बेसिक मैथमेटिक्स था उसमें ये डिस्कशन किया था, जैसे एक्स की वैल्यू जैसे जीरो डाली तो वाई भी जीरो, एक्स की वैल्यू एक डाली तो एक, एक्स की वैल्यू दो डाली तो बड़ी जल्दी बढ़ते हुए आठ उत्तर दिया लगभग, ये इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए दो आठ, ये एक एक, यदि एक्स की वैल्यू तीन डाली तो तीन पर तो एक्स तो तीन है ही और ये सत्ताईस यहाँ से, तो यदि मैं इन बिंदुओं को बीच में भी वैल्यू डाली गई है एक बटा दो जो भी, तो इस तरह से इसकी ग्राफ की स्थिति यूं सी चलती है, बड़ा जल्दी बढ़ता है, यूं सी कुछ से अपनी शेप लेगा ये, एक्स को बहुत बड़ा रख दोगे, ठीक है ना भाई। यदि मैं एक्स की वैल्यू इस साइड में डालूं, देखो इससे फायदा क्या हुआ, यदि मैं एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ एक डाली है तो इधर मैं माइनस एक डालूं, यानी कर क्या दिया कि तुम एक्स जो डाल रहे थे अब उस एक्स को तुम माइनस करके डाल रहे हो, तो माइनस एक डालने से यहाँ उत्तर क्या दिया, ये देखो यहाँ एक डाला जब इसने उत्तर एक ही दिया था, यहाँ दो डाला तो इसने उत्तर आठ दिया, तो अब क्या हुआ कि भाई माइनस एक डालने से यो माइनस एक उत्तर देगा ये देखो यहाँ माइनस करने से सारे फंक्शंस के सारे फंक्शंस की जो वैल्यू आ रही थी ना, जो एक आई थी, ये दो डालने पर इसकी वैल्यू आठ आई थी, उसके आगे माइनस लग गया अब, यानी ठीक है ना भाई। तो माइनस एक डालने पर इस यहाँ बिंदु आया, उसके कोऑर्डिनेट माइनस वन है, ठीक है ना भाई। माइनस दो डालने पर एक्स पहले मैं जमा का दो डाल रहा था, अब मैं उसकी जगह माइनस डाल रहा हूँ, तो उसने वैल्यू माइनस आठ दी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से जैसे मान लिया मैं यहाँ से कुछ माइनस आठ प्लॉट करूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे माइनस दो माइनस आठ, और इनको भी यदि मैं मिलाऊंगा तो इस प्रकार से कुछ शेप सी दिखाई देगी इसकी। अब और देखो इसको क्या बोलते हैं हम, ओड ओड एक्सटेंशन बोला जाता है, ठीक है ना भाई। जैसे इसी में एक एल्जेब्रिकली और लिया, जैसे एक्स की पावर चार है, कहा है कि भी इसमें माइनस भरो, माइनस एक्स भरा, इसमें माइनस एक्स की पावर चार है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका क्या तात्पर्य है, किस तरह से इसकी ग्राफिकली हम रचना कर सकते हैं। तो जैसे हम कहेंगे भी चलो एक्स बराबर जीरो भर रहा, जीरो पर जीरो है के बराबर भी बोल सकते हैं, तो वाई भी जीरो है, एक्स बराबर एक तो वाई भी एक, एक के ऊपर पावर चार एक, दो दो पर एक्स की जगह तो दो की पावर चार का मतलब सोलह, तो दो सोलह, यहाँ से जैसे पॉइंट आ गया, ठीक है ना भाई। तो ये भी इस प्रकार से भागेगा, जैसे तीन भरेंगे तो तीन तीन की पावर चार का मतलब इक्यासी, यदि मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस एक भरी, यानी इधर एक्स की वैल्यू जमा की भरी जा रही थी, अब माइनस करने का मतलब यही है कि भी माइनस कर दिया, तो यहाँ भी माइनस तो एक्स की पावर चार, तो इसमें क्या हुआ,
कि x की जगह जब एक भर रहे थे तो एक उत्तर दिया था, माइनस एक भर रहे हो तो भी एक उत्तर दिया। अब ये बात नहीं आई है, दो भरोगे तो तुम्हारा 16 आंसर आया, जमा का आया। जैसे माइनस दो भरा तो उत्तर यहाँ 16, तीन भरा तो वो 81 बिल्कुल। ये जो ऊंचाइयाँ हैं ना, ये ऊंचाइयाँ ये सेम ही साइड में आ गई, तीन माइनस का भरा तो ये माइनस 81, तो बिल्कुल इस प्रकार से ग्राफ की स्थिति दिखाई दी। तो हम कहेंगे कि भाई क्या सिमेट्री दिखाई दी है क्या, कुछ सिमेट्री मतलब है कि भी कई हमारे पास फंक्शन ऐसे हैं जैसे एक्स क्यूब है या और काफ़ी अनगिनत होंगे ऐसे ही, कि भाई जैसे आगे जीरो से आगे हम आगे चले ही हों, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले, जैसे ओड एक्सटेंशन जो बात नाम बोला है, इसने क्या बात बताई है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले हैं, जितनी ऊंचाई एक्स के ऊपर खड़ा होकर देखे, एक एक के ऊपर एक ऊंचाई दी, दो पर आठ दिखाई दी, तीन पर हमें दो पर आठ दिखाई दी, तीन पर हमें कितनी दिखाई देगी, तीन रख दोगे इसमें तो 27 दिखाई देगी। ठीक है भाई, तो यदि मैं उतनी दूरी पर एक्स इधर आता हूँ, माइनस वन दूरी तो वे वन ही है, डायरेक्शन का मतलब है माइनस का, तो ये भी मेरी दूरी तो वही है, न्यूमेरिकली बोलते हैं इसको मोड तो वही है, ये दूरी तो एक ही है, ये माइनस दो के हिसाब से ये दूरी तो आठ तो है, लेकिन वाई की डायरेक्शन बदल गई इसलिए इसको आठ बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोले जाते हैं, माइनस दो माइनस आठ, माइनस तीन के लिए माइनस 27, तीन के लिए ये 27। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ग्राफ है इसका जो एक्स की वैल्यू डालते जाएंगे वाई की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, तो ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री लेगा। ठीक है, मतलब समझ गए, जैसे ये ऊंचाई है या इधर से देख लो, मतलब ऐसा रीजन जो आया है वही रीजन यहाँ से दिखाई देगा हमें, उतनी दूरियाँ भी बीच में और भी तो रियल नंबर हैं, कुछ भी डालेंगे तभी तो ग्राफ चला है, यो एक्स डालते गए वाई मिलती गई, ये शुरू में हम सीख चुके हैं इस तरह की बात भाई, तो तभी तो ये जुड़ता था, बिंदु बिंदु जुड़ते जुड़ते ही तो कोई रास्ता तैयार करते हैं लोकस जिसको, तो इस प्रकार की। या फिर यहाँ भी जैसे मान लिया शुरू में यही क्वेश्चन दे दे एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखूँ कि भी बोले भी वाई बराबर है माइनस एक्स की तीन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया यू, कहा कि भी चलो इसका डायग्राम दिखाओ बना के, तो मैंने एक्स की वैल्यू डाली जैसे वन, तो वन यदि मैंने इसमें डाला तो ये माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ से आ गया, ये ग्राफ इस तरह से अपना व्यवहार करेगा। तो इसमें भी वही बातें हैं कि ये दूरी जैसे मैं एक्स एक्स के ऊपर बराबर दूरी पर गया, मेरा मतलब ये है कि भी एक्स मैंने कोई भी एक्स भरा, एक बटा दो, तीन बटे चार, मान लिया एक्स की वैल्यू मैंने 5/2 भरी और इधर भी मैंने 5/2 नेगेटिव ले करके भरी, तो मैंने ये ऊंचाइयाँ मुझे मैग्नीट्यूड में बराबर दिखाई दी। मैग्नीट्यूड क्यों बोला है मैंने, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क है भाई, तो डायरेक्शन यदि बदली गई तो इसका मतलब है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होंगे ये ग्राफ। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम हर जगह ऐसा हो जाएगा कि भी कुछ भी हमारे पास यदि दिया गया हो, जैसे यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स, कहा कि भी चलो एक्स की जगह माइनस एक्स भरें, तो क्या कुल का माइनस बाहर आया क्या इसके, तो माइनस एक्स की तीन प्लस माइनस एक्स और सोल्व किया, माइनस एक्स की तीन माइनस एक्स और सोल्व किया, माइनस बाहर आया बिल्कुल वही, कुल के बाहर माइनस लग गया, ये देखो ये पहले था और अब उसके आगे सारे के आगे माइनस लग गया, तो ये जैसे मान लिया एफ एक्स है, तो नया बढ़ने वाला कोण आया माइनस एफ एक्स, कब आया जब एक्स की जगह माइनस भरा, तो यदि वो क्या आ गया माइनस कुल बाहर आ गया। तो इस प्रकार की जो बनावट होती है उसको हम ओड एक्सटेंशन बोलते हैं, जैसे ये तो ओड एक्सटेंशन क्या है, याद रखना है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री आए, जैसे ये या फिर यहाँ से दूसरी जो फिगर आई थी ये, समझ में आया। अब देखो दूसरी बात, तो ओड इवन ये हमारे फंक्शन में बातें होती हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एक्स की जगह माइनस एक्स भरा, लेकिन यहाँ पावर 4 की वजह से इस माइनस को खत खा गया, ये यूँ बोल सकते हैं एक्स की पावर 4 ही रहा। तो ये जो बनावट होती है कि भाई कोई एक्स नेगेटिव पॉजिटिव भरने के ऊपर
हमें जमा की वैल्यू मिली या घटा की वैल्यू मिल जाए, जैसे मान लिया माइनस एक्स की पावर चार के बारे में पूछे कि भाई क्या है इसके बारे में, क्या कहेंगे हम, जैसे एफ एक्स है तो बोले भाई एक्स की जगह माइनस भरो, माइनस भर दिया, ये माइनस ऑलरेडी है इसमें माइनस, तो माइनस एक्स की पावर चार, तो ये जो नई माइनस आई है इसका कोई असर नहीं है, यानी यूँ का यूँ बना रहा है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये नीचे ही चलेगा यूँ, देख लो भर के, जैसे एक्स बराबर जीरो भरा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भरी, जैसे एक भरी तो माइनस एक नीचे चले गई, दो यदि भर दिया, दो भरा तो दो की पावर चार का मतलब तो सोलह हो गया, लेकिन माइनस की वजह से ये माइनस सोलह ही है, डायरेक्शन नीचे चले गए, इधर भर लो, क्योंकि जो हम भर रहे हैं उसमें माइनस का कोई असर नहीं पड़ रहा, पावर वो इसी प्रकार की बातें आएंगी, तो ये एल्जेब्रिकली बातें हैं। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे रेशो हमने तैयार करे हैं, क्या उनमें भी इसी प्रकार की कोई बात विशेष दिखाई दे रही है? तो देखें, अभी हमने माइनस लगा के माइनस बाहर निकाले थे, उन्हीं से हम बोल सकते हैं। तो क्या किया हमने कि भाई साइन, तो इसको ये हम थोड़ा फंक्शन में बनाओ, मैथमेटिक्स के लिए एक फंक्शन की बनाओ होती है कि भाई एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, तो बोले भी माइनस भर के देखते हैं इसमें, तो साइन एक्स को ही माइनस लिखना है, तो कहेंगे भाई ये तो अभी सीखा है कि भाई तो एंगल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ले ली, तो माइनस बाहर आ गया, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कौन है ये एफ एक्स, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भाई माइनस भर पर माइनस को बाहर आ गई, तो बाहर आ गई तो ये तो ओड फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि तुम इसका जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के लिए तैयारी है हमारी ये, तो यहाँ यदि ये अपना कुछ चलने का व्यवहार दिखाएगा तो उसी प्रकार का इधर भी चलेगा, सिमेट्री दिखाएगा ये ओरिजिन के फर्स्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में, या यहाँ चलेगा तो इधर भी इधर चलेगा, एक्स की वैल्यू के लिए मान लिया यहाँ चला तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए वो ऊपर चलेगा, यही है ओड के लिए जो सिमेट्री दिखाई देगी, ठीक है भाई। तो और देखते हैं साइन, अब देखो कोस, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये साइन एक्स नई बात सीखने के लिए मिली, साइन एक्स का डोमेन ओल आर है, रेंज माइनस वन और वन बीच में शामिल बोलते हैं, और ये ओड भी है, ओड फंक्शन भी है, ओड एक्सटेंशन एक्सटेंसिविटी भी है, या एक्सटेंशन बोलते हैं इसमें, लागू होती है, ठीक है ना भाई। तो नई बात याद रखिए कोस एक्स, तो कोस एक्स के लिए एक बार पहचान कर लें हम कि भाई कोस एक्स मान लिया ये एफ एक्स के बराबर या वाई के बराबर, तो एक्स पुट करते हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी वाई की वैल्यू, जैसे 30 डिग्री रखा तो इसने वैल्यू रूट थ्री बाई टू दी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि भाई कि भाई माइनस भरते हैं और कोस के अंदर भी एक्स की जगह माइनस, तो यहाँ बोलते हैं कि भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं फर्क पड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इवन है, ये जो कहानी थी ना भाई ये ओड एक्सटेंशन था, जिसको फर्क नहीं पड़ता है उसको हम इवन एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये आया इवन एक्सटेंशन, तो इवन एक्सटेंशन का मतलब ये है, या सीधा भी बोलते हैं कि कोस एक्स इज इवन, माइनस बाहर नहीं निकलना, ये भी याद रखिए। तीसरा लिया जैसे टेन एक्स, तो टेन एक्स जैसे एफ एक्स है, ये भी हम पिछले वीडियो में कि भी चलो माइनस भर के देखते हैं, तो ये भी यदि चौथे क्वाड्रेंट एंगल घूमेगा और जब उसको मोड़ के पहले में ले जाएंगे तो पूछेगा भी टेन क्या हाल होगा तेरा, बोला भी चौथे में तो मैं तो नेगेटिव हूँ, तो इसका मतलब ये माइनस टेन एक्स होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई माइनस बाहर निकली है, तो ये भी तो ओड है फिर, ओड एक्सटेंशन या ओड फंक्शन बोल दें एक ही बात। तो क्या याद रखना है भी टेन एक्स ओड है, साइन एक्स ओड है, मतलब दो ही हैं, एक कोस है भाई, एक लिस्ट जैसे ग्रुप में तैयार कर लें, चलो आगे एक एक को बात कर लें, कोटेक्स अफेक्स इसमें भी माइनस भरते हैं, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा
ये भी ओड है, कोसेक अक्ष का भी यही हाल है। कोसेक अक्ष मान लिया एफ एक्स है ये, और इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये भी माइनस कोसेक अक्ष हो जाएगा भाई। माइनस भरेंगे तो ये भी ओड है, ठीक है ना भाई। तो कौन कौन से ओड आ गए, साइन आ गया, टेन आ गया, कोट आ गया और कोसेक आ गया। तो चार की बात कर ली, कोसेक पांचवा है, वो इवन है, और सीकेंट का भी यही, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, इसी का उल्टा तो है ही, उल्टा है तो कोई कोई उत्तर आ जाना, ठीक है ना भाई। जैसे तो आठ आए, बोला था अभी ग्राफ में माइनस दो डालें तो आठ आएगा, उसका उल्टा आ जाएगा वो, और कुछ नहीं, तो आना तो वही है। तो सीकेंट में यदि माइनस भरोगे तो सीकेंट एक्स ही आएगा, कोई चक्कर नहीं है माइनस का, ठीक है ना भाई। तो जैसे सीकेंट 1740 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करनी हो विद नेगेटिव, तो हम सीकेंट 1740 ही बोलेंगे, सिर्फ दो में, कोस में और सीकेंट में, बाकी जो चार हैं उनमें माइनस हमारी कॉमन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं माइनस बाहर आया तो ओड एक्सटेंशन, नहीं आया तो इवन एक्सटेंशन या फंक्शन बोलते हैं। तो सीधा हमारा ये ध्यान रहे। अब हम साइन एक्स का कुछ ग्राफिकली डिस्कशन देखते हैं कि भाई साइन एक्स कैसे चलता है, एक्स की वैल्यू डालें हम। एक शुरू के वीडियो में हमने एक एंगल मापने की एक नई विधि सीखी थी, जिसको हम सर्कुलर मेथड बोला था। दसवीं तक तो डिग्री मेथड है, तो सर्कुलर मेथड का मतलब क्या है वहाँ भी डिस्कशन किया था। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया हमें क्या करना है, जैसे फिजिक्स में तुमने देखा हो, जैसे घड़ी चलना शुरू किया समय भी एक सेकेंड के बाद, जैसे मैं यहाँ ट्रेवल करता हूँ, मेरा ओरिजन है, जैसे डिगावा में ओरिजन कोई गाड़ी खड़ी है, वो एक सेकंड के बाद एक किलोमीटर गई, ठीक है ना भाई। एक किलोमीटर जैसे दो सेकंड के बाद एक किलोमीटर, फिर एक सेकंड के बाद मान लिया उसने स्पीड बढ़ा दी, तो ट्रेवल की उसने, और मान लिया एक घंटे के बाद मान लिया यहाँ, मान लिया भिवानी आ गई, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करी है, समय होगा कोई। एक गाड़ी क्या कर रही है कि भाई उसने क्या करना शुरू कर दिया, रोटेट शुरू कर दिया, जैसे एक सेकंड के बाद यूँ घूमी, सेकंड के बाद मान लिया और घूमना शुरू कर दिया, एक घंटे के बाद वहीं देखा कि वो तो डिगावा में ही खड़ी है, उसने अब दूरी थोड़ी तय करी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो हमें जो हमारा कैलकुलस में कैलकुलस काम आती है, उसमें क्या होता है कि भी एक स्ट्रेट लाइन पर चल करके एक वेरिएबल लेकर के दूसरे वेरिएबल में क्या क्या फर्क हुआ या उसमें कितनी चेंज आई, उस के लिए हमने यो जो दूसरा मेथड आया था सर्कुलर मेथड, रेडियन में जो यूनिट मापी थी उसकी या बोला था, वो काम आता है। तो इसका मतलब ये है, तो शुरुआती हमारी जो तस्वीर आएगी भी इस ग्राफ की, उसमें हम थोड़ा डिग्री भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम करते हैं कि चलो साइन एक्स की पहचान देखते हैं, ये कैसी इसकी तस्वीर दिखाई देगी, और बातें तो देख ली कि भाई साइन एक्स एक नंबर है, माइनस वन वन के बीच में है, एक्स कुछ भी रख दो चाहे, ओड एक्सटेंशन रखेगा ये, जिसको हम ओड फंक्शन भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, चलो एक बार डिग्री से ही देख लेते हैं, जीरो डिग्री तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, यहीं रुक गई। मैं कर क्या रहा हूँ कि दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है समय की तरह, और दूरी जो आती है समय पर ही तो दूरी चलेगी, एक मिनट के बाद गाड़ी कहाँ गई, दूसरी मिनट के बाद गाड़ी कहाँ गई। यहाँ क्या किया मैंने, एक्स की वैल्यू मैं स्वतंत्र रूप से यहाँ डालूँगा या इस साइड में, फिर वाई कैसी मिलेगी मुझे, तो बातें वही हैं यहाँ भी। तो मैंने एक्स जीरो डाला, सारा वाई बोलते हैं या अफक्स बोलते हैं, कुछ नहीं है, तो एक मानते हैं हम हमारी तरफ से कि भाई एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप बनता है साइन ऑफ दिस, और ये बनावट हमने समझ ली है। तो जीरो पर बोलते हैं तो जीरो हो जाता है। अब 30 डिग्री पर आते हैं हम सीधा, 30 डिग्री यहाँ कोई जाना थोड़ी होता है, 30 डिग्री 30 डिग्री तो रोटेट होता है। तो मैंने क्या कर दिया कि 30 डिग्री जितनी रोटेशन आता है ना अपना, जिसको हम पाई बाई सिक्स बोलते हैं, एक्चुअली रूल तो ये है, 30 डिग्री मत लिखिए भाई, लेकिन हम आदत सी है हमें दसवीं तक डिग्री में होने की, लेकिन पाई बाई सिक्स धीरे धीरे आदत बदलनी होगी भाई। पाई बाई सिक्स मैंने ट्वेल्व किया, दूरी है पाई बाई सिक्स रेडियन है ये, इसका मतलब ये है 3.14/6 और कुछ नहीं। कई स्टूडेंट पाई को 180 बोलते हैं, मैं भी
बोलता हूं बार बार भी पाई बराबर 180 डिग्री नहीं, गलत बोल रही है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, पाई रेडियन ठीक है ना, सी मापते हैं सर्कुलर इसका यूनिट है वो बराबर 180 डिग्री है, पाई वास्तव में 3.14 है या 22/7 है नियरली, ये भी सही नहीं है, पाई 22/7 के बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ध्यान रखना है ये भी। तो 26 मैंने दूरी तय करी, इसका मतलब ये है, इसको मैं कैलकुलेट करूँ 3.14/6 इसको मैं सोल्व कर लूँ तो ये तय हुई है मेरी, तो पाई बाई सिक्स या 30 डिग्री और पाई बाई सिक्स भी बराबर नहीं है, नियरली है ये 30 डिग्री, यूँ घूमें या मैं स्ट्रेट लाइन पर चलूँ तो नियरली कुछ ये लंबाई मैंने नापी है, फॉर्मेशन बनाई गई है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, एकदम सही बोल, हमें तो साइन एक्स की थोड़ी सी यूं ही अप्रोक्सीमेटली देखनी है कि इसकी चलत कैसी है, कैसे रन करता है ये, तो यहाँ 30 डिग्री पर हमने देखा कि भाई वाई कितनी आ गई, देखो वाई यहाँ देखेंगे 1/2, हम एक के ऊपर निशान ही लगा ले क्योंकि साइन एक्स की हमें पहले से पता है कि भाई एक से ऊपर तो जाए नहीं गा ये, तो हमने देखा कि 30 डिग्री पर बीच में एंगल और भी हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 29 डिग्री 28 डिग्री, इनकी वैल्यू नहीं जानते हम, ठीक है ना, इसकी एक टेबल डिस्कस करेंगे या हमारे ज़रूरत की बात भी नहीं है ये, हम 30 डिग्री पर सीधे पहुँचे या पाई बाई सिक्स उसके ऊपर पाया कि भी इसने वैल्यू 1/2 दी, तो 30 डिग्री पर खड़े होकर के मैंने वाई ढूंढी 1/2 या मैं यहाँ इस बिंदु के कोऑर्डिनेट लिख दूँ पाई बाई सिक्स 1/2, एक्स कितना वाई कितने, फिर आगे बढ़ते हैं 15 डिग्री और गए आगे 45 डिग्री, और 45 का मतलब क्या है पाई बाई फोर, ठीक है भाई, तो मैं ये याद भी करने के लिए पिछले वीडियो में 2-3 बार जोर दे के बोला कि भाई याद चाहिए 30 डिग्री पाई बाई सिक्स, 45 डिग्री पाई बाई फोर डिग्री है वो पाई बाई थ्री, और 90 डिग्री है वो पाई बाई टू रेडियन है, तो फिर आगे बढ़े 45 डिग्री 45 इसमें डाले तो हमारी टेबल दसवीं से चलती आ रही है 1/√2, तो 1/√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू की इसको रेशनलाइज करके देखते हैं तो इसने वैल्यू दी 0.7, यानी कि √2 का मतलब 1.4 और 2 से डिवाइड किया तो 7.707 नियरली आया ये पॉइंट। अब देखो यहाँ x 0 पर मैं 0 था, 30 डिग्री या पाई बाई 6 के ऊपर ऊंचाई 1/2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है भाई, पाई बाई 4 के ऊपर मैंने x के ऊपर x इंक्रीज किया पाई बाई 4 तक गया तो पाई बाई 4 के ऊपर मुझे y बढ़ती दिखाई दी, और बढ़ के कितनी दिखाई दी वो 0.7, 45 के ऊपर 30 डिग्री पर कितना था मैं 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, तो पाई बाई 4 बढ़ करके यहाँ से पॉइंट, तो मैं थोड़ा रफ काम ना हो जाए मैं इसलिए सिर्फ पॉइंट ही प्लॉट करता हूँ भाई, पाई बाई सिक्स मीन्स अप 2.5, पाई बाई 4 से ऊपर चले गए 0.7, ये मैंने नोटेशन दिखाया गया एक का भाई, तो 0.7 यहाँ से होगा नियरली बात बोली जाती है, कोई अप्रोक्सीमेशन है, एक्यूरेट नहीं है हमारा काम। फिर चलते हम 60 डिग्री, तो साइन को 60 डिग्री दिखाया या पाई बाई 3 दिखाया तो ये बोला है कि भी √3/2 उत्तर दूंगा मैं, तो यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैं 60 डिग्री पर चला गया और मैंने वाई का पता लगाया तो वाई √3/2 है, √3/2 का मतलब नियरली वैल्यू कितनी 0.732 को 2 से भाग दो तो ये 0.8 की नियरली वैल्यू आई, मैंने नियरली अप्रोक्सीमेट करनी है, तो देखो एक बार फिर पाई बाई 6 पर मैं आधी ऊंचाई थी, पाई बाई 4 पर मैं 0.7 था, पाई बाई 3 पर मैं 0.8 आ गया और बढ़ा 0.8 नियरली सा एक के पास सा ही चला गया जो मानो, और पाई बाई 2 के ऊपर हम जानते हैं साइन 91 हो गया, तो ये एक यहाँ सी जैसे ये वाई की ऊंचाई, अब मैं इन बिंदुओं को यदि मिलाता हुआ चलूँ तो इस प्रकार से कि ग्राफ की स्थिति बनती है। तो तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में एक बात बताई थी ये कि भाई तीन प्रकार की कहानी होती है चलने की, लगभग 99% जो ग्राफ बनेंगे, एक तो जैसे यूँ चलेगा, एक यूँ चलेगा, एक यूँ चलेगा,
ठीक है ना भाई। तो ये जैसे ये देखो ये बढ़ता तो गया लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता, और एक बढ़ना होता है ऐसे और एक बीच में स्ट्रेट लाइन होती है जो यूनिफॉर्मली चेंज होती है, तो इनका बड़ा महत्व है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एक बार इस बारे में, बस इतना ही। ये बड़ा देखो 30 डिग्री पर ये आधा चला गया, जाना था इसको सारा एक धीरे मतलब जंप दे करके आगे धीरे धीरे चला, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा, यूँ बढ़े तो होगा यूँ, इसको हम कनकेविटी बोलते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको गहराई में ना लो। तो 90 डिग्री पर एक चले गई, फिर हम बस आगे बढ़ चलते हैं सेकंड क्यू आर, बहुत बार बोला था 15 डिग्री 30 डिग्री, ये चार स्लेब है हमारे चलने के, फिर 90 के बाद फिर वही प्रक्रिया रहेगी। 30 डिग्री चले तो 120 डिग्री पर आ गए, 30 डिग्री का मतलब 90 में 30 जोड़ना 120, और 120 को बोला था 2π/3। एक बार डिग्री में नोटेशन डाल लो यदि ये समस्या आ रही है, लेकिन याद करिए भाई इनको 2π/3। तो एक बार चलते हैं, अभ्यास हो जाना चाहिए। साइन 120 डिग्री तो साइन 60 के बराबर ही है, ये देखो साइन करता है ये काम, 90 पर खड़ा होकर के 30 इधर 30 इधर, ये बराबर वैल्यू होती है। जैसे यहाँ √3/2 है जिसको 0.8 बोला है, ये भी 0.8 है, तो इसका मतलब ये है कि 90 के हर बार ये बराबर झुकता दिखाई देगा, यहाँ भी सिमेट्री दिखाई देगी, यानी इसका मतलब मुड़ लेगा ये 90 पर एक, 120 डिग्री पर फिर वही वैल्यू आई जो 60 पर है। ये देखो बराबर बराबर दूरियां हैं, ये नियरली, मैं नियरली का मतलब है मेरा ये है कि पाई मेरी यूज हुई है तो नियरली हूँ मैं, नंबर है ये रियल नंबर। तो फिर आगे बढ़े, फिर 15 बढ़ाया, 120 में 15 बढ़ाया तो 135 डिग्री जिसको हम बोलते हैं 3π/4 की वैल्यू भी 4 के बराबर है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, वैल्यू वही देगा। हमने वीडियो वो डायग्राम बना करके समझाया था अच्छी तरह से कि भाई ये वैल्यू बराबर क्यों है, क्योंकि दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट बनती हैं। तो फिर आगे बढ़े, आगे का मतलब जो हमारी 45 डिग्री पर ये ऊंचाई है तो ये ऊंचाई भी वही दिखाई देगी, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाते हुए भाई सिमेट्री सी दिखाई दे, बराबर झुके, जैसे ये जो हमारा ये तस्वीर दिखाई दी ये तस्वीर भी आगे यूं ही दिखाई दे, जो हम यहाँ चले जाएंगे 0 डिग्री है ये, 0 रेडियन भी बोल दें। तो चलो अभी हम क्या, 90 से 30 गए, 30 से 15 गए, 15 बढ़े, फिर 15 बढ़ेंगे और फिर 30 बढ़ेंगे, तो 15 बढ़े तो 150 डिग्री पर चले गए, जिसको हम लिखते हैं 5π/6, 30 डिग्री का पाँच गुना 150, 30 को 5/6, 5 से गुणा, याद करने की विधि सी है थोड़ी सी। तो 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी, आधी, तो आधी ऊंचाई पर यू आ गया नियरली, यहाँ से चलते हुए आधा। फिर हम 180 पर आ गए, तो 180 हम पहले से याद कर रखे हैं कि भी 0 पर पहुंच गए, 180 का मतलब पाई रेडियन। तो ये साइनक्स का चलने का ढंग है ये, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में तो दोनों प्रकार की बातें दिमाग में रहें, पहले क्वाड्रेंट में चलता हूँ मैं यहाँ तक आ गया 0, यहाँ चला मैं π/3 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री 45 पहले भाई π/4, फिर 60 डिग्री π/3, फिर 90 डिग्री जिसको π/2 रेडियन, फिर 2π/3, 3π/4, 5π/6, ये पाई है। तो दोनों तरह तरह का हमें रोटेशन समझ में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, दो प्रकार के ही तो मोशन होते हैं, एक तो इस प्रकार से है और एक मूव इस प्रकार से हम चलना है, शिफ्टिंग जो बोलते हैं ये रोटेशन है। तो मोशन दो ही प्रकार का है, तो हमारा मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, यानी ग्राफ साइनक्स का बनने, साइनक्स की तस्वीर है ये। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे चले गए, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो इतना हम आज, कल हम इसको पूरा करेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फिर चौथे में पहुंचेंगे। एक बार ये पक्की याद करो, दोहराओ, ये याद नहीं होंगी तो समस्याएं आएंगी, मैं पाई में ही एंगल को ट्रीट करूंगा बार बार।
तो डिग्री कम ही यूज होंगी। तो आज का वीडियो में आज इतना ही।